हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे COVID-19 के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक के बाद एक लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या 31 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा या नहीं। ये सवाल बहुत लोगों के मन में आ रहा है। इंसान समझ नहीं पा रहा है कि वो करे तो क्या करे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 31 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा या और आगे बढ़ेगा। आज हम बात करेंगे इसी बारे में। चलिए शुरू करते हैं। कोरोना के जो मरीज़ हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दिन पर दिन कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में जो गरीब लोग हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि ना तो उनके पास खाने के लिए पैसे हैं, ना ही उनके पास कोई काम है ऐसे में जो वो कोई काम कर सकें, ना ही उनके पास इतना कोई पैसा जमा रखा हुआ है कि वो बैठ के 2-4 महीने खा सकें। सरकार खाने का पैकेट गरीब लोगों को भेजती है, तो क्या उससे गरीब इंसान अपना पेट भर पाएगा? क्योंकि वो खाना लोगों को उस तरह से नहीं मिल पाएगा जिस तरह से लोग अपने मन अनुसार खाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको खाने की प्रॉब्लम है। ऐसे में कोई बीमार पड़ जाता है, दवा के लिए पैसे नहीं हैं। सब ने सोचा था कि मई का महीना शुरू होते ही जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये बीमारी धीमे धीमे कम होती जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अब ऐसे में अगर लॉकडाउन खुलता है तो ये संख्या और तेज़ी से बढ़ेगी, फिर हालात पर काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि शायद लॉकडाउन आगे खुले। हाँ, खुल सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसमें कुछ शर्तें होंगी जो लोगों को माननी होंगी। गरीब लोग हैं वो मांग कर खा लेते हैं, पैसे वाले लोग हैं उनको कोई परवाह नहीं है इतनी, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी होती है मिडिल क्लास वालों को, क्योंकि वो ना तो किसी से मांग सकता है और ना ही उसके पास इतना पैसा रखा हुआ है कि वो खुद और अपने बच्चों को बैठ के 2-4 महीने खाना खिला सके, उनका पालन पोषण कर सके। क्योंकि मिडिल क्लास वाले जो लोग होते हैं उनका बस यही होता है कि डेली कमाओ खाओ, क्योंकि उनके पास इतनी इनकम नहीं होती है कि वो कुछ पैसे इकट्ठा कर सकें। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी मिडिल क्लास वाले लोगों को ही होती है। सबसे ज़्यादा परेशान आज के टाइम में मिडिल क्लास वाले ही हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो ऐसे में क्या करें, कहाँ जाएं। बस दिन दिन ब दिन आस लगाए बैठे हुए हैं कि कब जो लॉकडाउन खुले, कब अपने काम धंधे पर जाएं। अगर मेरी माने जैसा मैं सोच रहा हूँ, अगर लॉकडाउन खुल जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसमें जो शर्तें हैं वो इंसान पूरी तरह से पालन करें उन शर्तों का, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। इससे इंसान अपनी फैमिली को अच्छे से देख रेख कर सकेगा और इतना परेशान नहीं रहेगा जितना कि लॉकडाउन के अंदर रह रहा है, क्योंकि ये बीमारी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि लोग इस बीमारी से खुद डर रहे हैं कि कहीं ये बीमारी हमें ना लग जाए। तो लोग जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो उन शर्तों का खुद अपने आप पालन करेंगे, उन्हें खुद डर रहेगा कि हम इस कोरोना के संक्रमण में ना आ जाएं। लॉकडाउन खुल जाएगा तो मैं जानता हूँ कि 50% से ज़्यादा लोग राहत की सांस लेंगे। वैसे उम्मीद की जा रही है कि 1 जून से लेके 10 जून तक ये लॉकडाउन खुल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अजय पूरी तरह से कंफर्म नहीं है फिर, लेकिन मुझे लगता है कि 10 जून तक ये पूरी तरह से खुल जाएगा। तो दोस्तों, जब तक आप जैसे रह रहे हो अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कहीं इधर उधर फालतू ना घूमें, क्योंकि अगर इसका थोड़ा सा भी संक्रमण आपको लग गया तो कोई भी डॉक्टर आपका इलाज नहीं करेगा, आपको कोरोना की जो टीम है वो आपको उठा कर ले जाएगी। और आपको तो पता ही है कि वहाँ पर किस तरह का इलाज होता है या किस तरह से रखा जाता है।
तो इस सब से बचने का अच्छा उपाय यही है कि आप घर पर रहें। भले ही आप काम धंधे पर नहीं जा पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन बीमारी से बचे हैं, ये तो उससे भी बढ़िया है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए आगे बनाता रहूँगा। मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।